तो दर्शन नहीं देंगे यहाँ पे, देखने भी नहीं आएंगे जो झुग्गी झोपड़ी वाले को, जो नाली कैसे पड़ी है, कैसे हमारे लोग कचरे में मर रहे हैं, जी रहे हैं, कैसे रहे, हमें पता है। वो तो बोलेंगे, वो तो जो करता है वो बोलता है जी, घोटाला उन्होंने बहुत कर रखे ना, इसलिए वो बोल रहे हैं। स्कूल है, हॉस्पिटल है, ये मोहल्ला क्लिनिक जो फ्री दवाई दे रहे हैं। हमारी तो एक ही उम्मीद है जी, कांग्रेस। क्यों सर? शुरू से क्यों सर? कांग्रेस का इतना इतिहास है पुराना, गरिमा में इतिहास है कांग्रेस का, कांग्रेस को जीतना चाहिए हर बारी। इस बार नई पार्टी आम आदमी पार्टी भी है, बीजेपी है, तो ऐसा क्यों लगता है आपको? हमने तो हिस्ट्री पढ़ी है जी, हिस्ट्री पढ़े है, उसके हिसाब से कांग्रेस हमारे लिए सही लगती है। सर हिस्ट्री से काम थोड़ी होता है सर। नहीं, हिस्ट्री से ही होता है जी, काम से काम। कांग्रेस को मजबूत बनाओ, देश को मजबूत बनाओ। नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानता। अब एक नई पार्टी भी खड़ी है आम आदमी पार्टी, इसका नाम है, वो कुछ चेंज करेगी सर इस बार? नहीं नहीं, कोई चेंज नहीं करेगी, कांग्रेस जीतेगी। आपको ऐसा क्यों लगता है? कोई कांग्रेस का इतना में इतिहास, इतना गरिमा में है, कांग्रेस को ही लोग जिताएंगे। कांग्रेस देश को एक रख सकती है, दूसरी पार्टी देश को एक नहीं रख सकती। क्या नाम है आपका? प्रदीप गोयल। ठीक है प्रदीप, आपका क्या नाम है? नाम पंडित घनश्याम शर्मा, बिलोंग फिर मथुरा से बिलोंग करता हूँ, फिर दिल्ली में, मूल निवासी दिल्ली का हूँ। ऐसा क्यों लगता है कि सर आप अपना जो मतों का उपयोग कर रहे हैं, नई पार्टी भी आई है, आप किसको वोट देना पसंद करेंगे और कौन आपके जो उम्मीदवार हैं उनको आप पसंद करते हो, जितने जो काम कर सके? कोई कांग्रेस ना, कोई आम आदमी ना, कोई बसपा, कुछ नहीं है, केवल और केवल एक भाजपा। भाजपा ही देश का भविष्य है और देश में भाजपा ही शासन करेगी। और ये सब कांग्रेस हुई, आम आदमी हुई, ये सब कुछ नहीं, कांग्रेस ने देश को बेच के खा गई और कांग्रेस तो मिट गई, समझ लो कांग्रेस तो खत्म हो गई, कांग्रेस का नाम तो इतिहास के पन्नों में लिख गया। अब कुछ दिन और चुनाव आने, तो दो चार चुनावों का, आज ये कंडीशन है हमारे पोलिंग पर, यहाँ पर कांग्रेस का कोई टेबल नहीं लगा हुआ है। कांग्रेस का प्रत्याशी जरूर खड़ा हुआ है, परंतु का कोई भी एजेंट यहाँ पर नहीं, ना अंदर कोई एजेंट है, ना कोई बाहर टेबल लगी हुई है, तो कांग्रेस की हालत तो समझ लो खत्म है, ये तो नाम की पार्टी रह गई है। एक नई पार्टी भी आई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नई पार्टी कौन सी? आप आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी कुछ नहीं है, नहीं भाई कुछ नहीं है, ये तो ये समझ लो कि अगर आम आदमी का बस चले तो देश में क्या पूरे घर घर में शराब के ठेके खुलवा दे, ठीक है, तो दिल्ली को तो बर्बाद कर दिया, पंजाब को भी। बिजली पानी तो फ्री दे रही है ना? बिजली पानी कोई फ्री नहीं है, कि कौन कहता है मेरे को बताओ बिजली पानी किसका फ्री है? सब कहते हैं बिजली पानी फ्री है। बिजली पानी फ्री है केवल इमामों का, मस्जिदों का, मंदिरों का तो डबल बिल आ रहा है। नहीं, इमाम तो कहते हैं कि हमें कोई तनख्वाह नहीं मिलती, आरटीआई से चेक करवा दो। 43,000 रुपए महीना, मैंने आरटीआई लगा के देखा, चेक करा तो मैं आपको आईटी रिपोर्ट दे दूंगा। इमामों से बात करिए सर, वही कह रहे हैं कि कोई तनख्वाह में नहीं। इमाम झूठ बोलते हैं, इनका काम झूठ बोलना है, झूठी पार्टी के सदस्य, इनका मुख्यमंत्री झूठा है। क्या लगता है आपको? मेरे को क्या लगता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, आपकी बात साफ है। आम आदमी दिल्ली से एमसीडी में। बीजेपी हर वक्त अलग ही काम किया है जी, बीजेपी ही एक नंबर काम करेगा, मोदी जी के नाम पर और जय श्री राम के नाम पर वोट हो रहा है, एक तरफा जीत हो रहा है जी। मंदिर के नाम पे वोट क्यों होगा सर? काम के नाम पे वोट होगी, मंदिर के नाम पे वोट? काम भी हुआ, काम भी आप देख रहे होंगे, सबसे पहले कंपेस्टर मशीन लगाया एवी ब्लॉक में फर्स्ट क्लास, जीतते ही, और यहाँ पूरे नाला बनवाए हैं, और जो भी काम वहाँ पे आप देख रहे हैं प्रीतमपुरा के अंदर में बीजेपी का ही काम हुआ है, और साफ सुथरा सारे, और हमारे विधायक वंदना जी है जिन्होंने एक काम नहीं कराए, 5 साल के अंदर में एक काम नहीं हुआ जी। नई पार्टियाँ आई है सर इस बार, कुछ क्या है उसके बारे में? नई पार्टी तो आ रहे हैं, तो चलते रहेगा थोड़ा बहुत, लेकिन ये इस बार खत्म है बिल्कुल। नहीं, 9 दिन पुरानी, 100 दिन पार्टी आती है और चली जाती है, पुरानी 100 दिन काम पर मोदी जी कर रहे हैं, बीजेपी क्या कर रहे हैं, कुछ गिनवाएंगे सर? हाँ जी बिल्कुल, बताइए। हिंदुत्व को बढ़ाया है, करो एक तो हिंदुत्व का मुद्दा है, बिल्कुल बढ़ाया है, पेट भरता है सर, विकास से, विकास से विकास भी हो रहा है, हर घर में विकास हो रहा है। आप बताओ भाई साहब, ऐसा है अगर हम शालीमार बाग विधानसभा की बात करते हैं, तो जो हमारे पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद रहे हैं, सभी लोगों ने समाज को इतना काम करके दिया है, भले वो पेड़ों की बात हो, पार्कों के रखरखाव की बात हो, नालियों की व्यवस्था की बात हो, कोविड की महामारी के समय में लोगों को भोजन पहुंचाने की बात हो, कोविड टीकाकरण की बात हो, या साथ ही जितने भी छोटी से छोटी सेवा बस्ती से लेकर बड़ी बड़ी कॉलोनियों में सैनिटाइजेशन करने की बात हो, कॉम्पैक्टर लगाने की बात हो, हैदरपुर पीतमपुरा के अंदर 3 कॉम्पैक्टर एक विधानसभा के अंदर हमारे पूर्व पार्षद सुजीत ठाकुर जी ने करवाए, उसके अलावा क्षेत्र की विधायिका कहीं भी किधर भी कहीं नजर नहीं आई पिछले 5 से 7 सालों के अंदर, केवल चुनाव के समय ये लोग आगे आ जाते हैं, बाकी दिल्ली की बात ना करते हो। मैं सिर्फ शालीमार बाग विधानसभा की बात करूं तो बदमाशी और गुंडागर्दी के अलावा यहां
जी इलेक्शन नहीं, मैं पार्षद ने क्या किया ये आप सामने देख सकते हैं। पीछे रिक्रिएशन सेंटर है जहाँ पे स्विमिंग पूल की व्यवस्था कराई गई। अगर हम पीतमपुरा की बात करते हैं तो पीतमपुरा में एक एक ब्लॉक के अंदर सड़कों का रख रखाव, अगर आप किसी भी ब्लॉक के अंदर जाकर देख सकते हैं जो भी पार्क है उनके पार्कों का रख रखाव, निगम के जो काम होते हैं उस कामों को निगम ने बहुत अच्छे से पूरा किया है। आम आदमी पार्टी कहते हैं लेकिन एक झूठ और छलावा अगर हम करें, मेरे द्वारा किए हुए काम का श्रेय यदि आप ले लें तो उस तरह की पार्टियां कहीं भी किसी प्रकार से कामयाब नहीं हो पाती। मैं अगर इस तरह की बात करता हूं, आप अगर इसी बात की भ्रष्टाचार की बात चलती है तो भ्रष्टाचार अगर शुरू किया गया तो जिस तरह से बात अब विधानसभा चुनावों के बाद ये कहा गया कि जितने भी मोटर व्हीकल लाइसेंस को जो प्राइवेट गाड़ियों कमर्शियल गाड़ियों को पास किया जाता है, पास करने में आप ऑनलाइन जाइए और पास करवाइए, लेकिन उस समस्या को इतना बढ़ा दिया गया। एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार नहीं, ऐसा है जी, बोलने को कुछ भी बोला जा सकता है, सारे काम, अगर एक व्यक्ति मैं गलत हूँ उस गलती की सजा का भुगतान अगर एमसीडी आपको दे रही है, आपको फाइन लगा रही है, आपका चलान काट रही है, तो उसके अंदर एमसीडी का किसी प्रकार से दोष नहीं है। मेरा 100 गज का दायरा मकान का है, उसको बढ़ाकर अगर मैं 120 गज करना चाहूंगा तो उसके अंदर दोष एमसीडी अगर आपको किसी भी तरह से आपके मकान को बुक करती है या किसी तरह का चलान काटती है उसमें एमसीडी का कोई किसी प्रकार से दोष नहीं है। टक्कर कहीं नहीं है जी, कोई नहीं है टक्कर में, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 200 एमसीडी के अंदर अपनी सरकार बनाने जा रही है। 200 सीट पे आप भी वोटर हैं यहाँ की? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदा देवी है। क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी जो है जो विकास के मुद्दों पे काम करेगी, आपकी क्या राय है? बीजेपी। बीजेपी काम करेगी? हाँ जी, आगे भी की है और अब करेंगे भी। वो तो जो अच्छा करेगा उसी के देंगे भैया। पहले तो बीजेपी भी थी इस बारे में, हाँ। अब एक नई पार्टी, उसके बारे में क्या कहोगे? जिसके मुझे अच्छा लगेगा उसी को दूंगा, जो हमारे करता करते काम करेगा उसी को दूंगा, उसी को देंगे। हाँ। आपका क्या नाम है, क्या राय है आपकी? आशा देवी। देखिए हम जिसका काम देखेंगे उसी को देंगे। अरे तीनों के लोन है क्या? फिर जिसका काम देखेंगे उसी को देंगे। आपकी क्या राय है सर? राय ये है जी, दिल्ली में आप कुछ काम नहीं किया, इसने वो नहीं किया, इसने ऐसे नहीं किया, दिल्ली आएगी जी, दिल्ली में आप पार्टी पूर्ण बहुमत से आएगी, दिल्ली के वोटर मन बना चुके हैं, आप आएगी केजरीवाल जीतेगा। बीजेपी तो कहती है कि भाई वो लोग तो कहते हैं कि कोई काम ही नहीं हुआ। क्यों नहीं काम हुआ? सब काम हुआ है, अपने वादे पूरे। एमसीडी में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, काम नहीं करा जी 15 साल में। 15 साल में कोई काम नहीं किया, कोई सफाई नहीं, कोई नाली नहीं, कोई सड़क नहीं बनवाई। पार्षद तक आके, पार्षद आते नहीं, 5-5 साल दर्शन नहीं होते, को बोलने नहीं आता, हमारे माता जी बोलना आता है। क्या करें, पार्षद को बोलना तक नहीं आता, यहाँ पे जो पहले के पार्षद थे उनको बोलना तक नहीं आता। ठाकुर आए नहीं 5 साल में, सिर्फ भारत माता की जय, वंदे भारत, उसके अलावा कुछ बोलने नहीं आता उनको। आम आदमी पार्टी ऐसा क्या कर लेगी सर? आप विश्वास करते? बिल्कुल विश्वास करते हैं, उसने जो कहा थोड़ा काम किया भी, उसने काम किया। बिजली के रेट जो 2014 से वही के वही है, बिजली के रेट 2014 से 2022 आगे वही के वही रेट है, कोई और पार्टी होती है। गलती से अगर जीत भी गए तो दर्शन नहीं देंगे यहाँ पे, ये देखने भी नहीं आएंगे जो झुग झोपड़ी वाले को, जो नाली कैसे पड़ी है, कैसे हमारे लोग कचरे में मर रहे हैं, जी रहे हैं, कैसे रहे हैं, हमें पता है, इतना देखने भी नहीं जाएंगे। लोग रहते हैं कि पूछने लायक का नहीं, उस गंदगी को आज 15 साल से कोई सफाई नहीं किया है। हमारे विधायक जी वंदना कुमारी जी भी बढ़िया काम किए, जो उनके नाम पे केजरीवाल जी के नाम पे उनका वोट जाएगा। तो लोग कह रहे हैं कि इस बार तो साफ झाड़ू से नाम के लिए आई। नहीं 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 नहीं, झाड़ू अपनी मेहर बना रही है जी, मेहर बना रहे हैं, बिल्कुल झाड़ू है, हम जीत रहे हैं यहाँ से, हम यहाँ जीत रहे हैं, ठीक है, मेहर बन रहा है हमारा, बीजेपी का मेहर नहीं बन रहा, हमारा मेहर बन रहा है। चुनाव दिन बहुत बढ़िया, झाड़ू का सफाई करने के लिए बहुत बढ़िया चुनाव दिन है, और इसी से सफाई होती है। बिजली बिल भी वही रुके हुए, पानी वही की वही है, 8 साल हो गए, पानी का बिल नहीं बढ़ा, बिजली का बिल नहीं बढ़ा, और स्वास्थ्य में काम हुआ है, स्वास्थ्य में काम हुआ है, हॉस्पिटलों में फ्री इलाज हो रहा है, घोटाला सर सब कुछ, वो तो बोलेंगे, वो तो जो करता है वो बोलता है जी, घोटाला उन्होंने बहुत कर रखे ना, इसलिए वो बोल रहे हैं करप्शन की, एमसीडी छवि है करप्शन की, और आम आदमी पार्टी की छवि क्या है? नॉन करप्ट पार्टी। एमसीडी में आप कहीं भी चले जाओ, लेंटर का काम है, सबको खुला पता है, 1 लाख रुपए एक लेंटर पे पढ़ना ही पड़ना, 1 लेंटर 1 लाख रुपए पढ़ा, एक करप्शन हो गया। दूसरा, इस साल अगस्त सितंबर का महीना निकला, अब एक किसी भी एरिया जाके पता कर लो, कोई भी फॉगिंग हुई थी? सबसे ज्यादा डेंगू के मामले क्यों आए इस बार? क्योंकि कोई फॉगिंग नहीं हुई। अब किसी एरिया में खुला पूछ ले, कोई आया था एमसीडी लेना? कोई नहीं आया। सड़क हो गया, स्ट्रीट डॉग का मुद्दा हो गया, गाय खुली घूम रही है, कूड़ा पड़ा हुआ है, कहीं कोई नहीं, और यहाँ 2 किलोमीटर में बलसवा का वो कूड़े का पहाड़, कहाँ तक जाएंगे? और 15 साल आप ये समझिए, 15 साल में आपके पास आपका जो भी आप काम कर सकते थे कर लिया आपने,
उसके बाद ये मुद्दे वहीं के वहीं, आप कुछ नहीं कर पाए सिर्फ करप्शन के अलावा। तो इसके बाद आप क्या करोगे? आप इसके बाद तो आपको पार्टी चेंज करनी पड़ेगी। देखिए सबसे मुश्किल काम था, आज से 7 साल पहले ये बोला जाता था यार ये तो सरकारी स्कूल ऐसे ही रहेंगे, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालो, सबसे मुश्किल काम तो इसी को चेंज करना है। टीचर आके करते क्या, वो स्वेटर बुनती है, वही स्कूल वही टीचर कहाँ पहुँच गया, स्कूल क्या रिजल्ट आ रहा है, तो ये पार्ट है। पब्लिक की राय है कि बिल्डिंग बन गया टीचर्स नहीं है, बिल्डिंग बन गया टीचर्स नहीं है। टीचर्स की नियुक्ति आपको भी पता है किसके अंडर में, सर्विस सेक्शन किसके अंडर में आता है, एलजी सेक्शन में अंडर। तो जो प्रिंसिपल की नियुक्ति होती है या ये जो सर्विस सेक्शन आता है किसके, एलजी के। तो एलजी आप उसका उस काम को क्रिएट कर, लेकिन उसको सही तो आप बात ये है कि पब्लिक को चाहिए, काम होना चाहिए, करेक्ट। आप गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला कि हम टीचर की नियुक्ति नहीं कर सकते इसलिए हम स्कूल के अंदर काम नहीं कराएंगे, वो काम करा रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट दिए उन्होंने टीचर्स को, उसी उन्हीं टीचर्स के बेसिस पे आज उसको हम लाख स्कूल प्राइवेट स्कूल के बच्चे आज गवर्नमेंट स्कूल में क्या नाम है ट्रांसफर ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, इसी बेस में ना। अगर मान लीजिए टीचर नहीं है और पढ़ाई नहीं होती तो प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं वो आज स्कूल यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, पेरेंट्स लेके आ रहे हैं ना, बच्चे नहीं आ रहे, पेरेंट्स लेके आ रहे हैं उनको स्कूल में, तो कुछ तो काम हुआ ना। और क्यों पब्लिक, और आप आम आदमी पार्टी अगर 67 या 63 लाती है तो आप ये मत सोचिए कि सिर्फ जो पब्लिक का फूल है वो सिर्फ फ्री में करती है, ऐसा नहीं करती। एमसीडी में क्या बदलाव होने की उम्मीद है अगर मैडम आ जाएगी? बहुत छोटी छोटी चीज़ें, सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन जो कि जो पावर इन्होंने आरडब्ल्यू को ट्रांसफर करी है। अब इस चीज़ के लिए एक नॉर्मल एक सोसाइटी को अपने गली के पार्क, सड़क, नाली, स्ट्रीट डॉग, इनके लिए पार्षद के पास नहीं जाना पड़ेगा, वो पावर उनके हैंड में आ जाएगी, पहला पार्ट। दूसरा करप्शन, जो कि यहाँ पे लेंटर का करप्शन होता है, वो करप्शन एकदम खत्म हो जाएगा। तीसरी बात जो कूड़े जो कूड़े का है, कूड़े का मामला खत्म होगा। और हमें पूरा, और सबसे बड़ी बात, हमारा जो सीएम है वो पढ़ा लिखा सीएम है, उसकी प्लानिंग है, वो जो कुछ कमिट करता है तो वो करता है, और हमने देखा है 7 साल में, इसलिए मैं ट्रस्ट किया भी और किया है उसने, तो हमें पूरा विश्वास है कि वो ये भी जो वादे किए पूरा करेंगे। मेरा पर्सनल असेसमेंट है, मैं पर्सनली बता सकता हूँ, पार्टी बोलती है, आम आदमी पार्टी बोलती है, बीजेपी अपने अपने वादे करती है, मेरा पर्सनल असेसमेंट है 200+ तो आम आदमी पार्टी जरूर जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, बीजेपी नहीं है कहीं पे, आप किसी भी एरिया में जाके। क्या लगता है आपको? हमारे को भी ये लगता है 200+ सीटें लगती हैं आम आदमी पार्टी की। इन्होंने तो सिर्फ एक एलजी बैठा दिया जी काम नहीं करने के लिए, कि भैया बताया तू इनकी मोहर मत मारियो, फाइलें यही दबा के रख लियो, काम ही मत करने दियो। 15 साल से बीजेपी कर रही है, कुछ किया कुछ नहीं किया है, हमारे झुग्गी में जाके देखे कुछ नहीं किया है, 15 साल से कुछ नहीं किया है, वैसे कूड़ा है, पूरे नाली इतना है, कीड़े पड़ रही है, हम लोग गंदगी में जी रहे हैं। छिड़काव बीजेपी देखे, छिड़काव हमने किया, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इनके जो है ना। 15 साल जो इम्पोर्टेंट काम बीजेपी ने किए हैं वो ये, पहला करप्शन, बहुत ज्यादा करप्शन किया है, कूड़े के पहाड़, दूसरा, और तीसरा जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनियां हैं, ये झुग्गी हैं या ये हुए हैं, वहाँ पे लोगों की ज़िंदगी वही है, इलेक्शन से पहले उनकी दारू बढ़ती है, कंबल बढ़ते हैं, उसके बाद उनकी ज़िंदगी को वैसे ही छोड़ दिया जाता है, उनके लिए कोई इंप्रूवमेंट का काम नहीं किया गया। यहाँ पे सर एक पे एक फ्री दे रही है सर, नहीं अभी तो बंद हो गई, क्या की क्या दोबारा एक पे एक फ्री दे रही थी, यहाँ पे भी तो एक पे क्या क्या खराब खराब है। हाँ यहाँ पे तो केजरी सरकार भी एक उस देखिए, वो बहुत डिटेल पॉलिसी, अगर मैं आपको डिटेल पॉलिसी समझाऊंगा तो कोई फायदा नहीं है, कि वो उसके टेंडर कैसे हुए, उस टेंडर पे कैसे ऑब्जेक्शन आया, और वो किस तरीके से वो प्राइवेट 1+1 बन गया। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे बीजेपी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो ये कहते हैं कि बहुत करप्शन किया है इनके लीडर्स ने, राइट। मुझे ये बताइए कि इसकी जितनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किसके पास है? बीजेपी के पास है। कोई एक करप्शन प्रूव हो जाता ना तो मानते ये पार्टी करप्ट है, कोई एक करप्शन प्रूव नहीं है। बीजेपी तो कहती है सर मंदिर के राज में, मंदिर के श्रीराम के नाम पे हम वोट लेके जाएंगे। आम आदमी पार्टी वाले नौ नास्तिक नहीं है, आम आदमी पार्टी वाले भी जय श्री राम ही बोलते हैं, जय हनुमान भी बोलते हैं, जय माता भी बोलते हैं, लेकिन वो हमारे आस्था का है, आस्था को आप अपने काम से मत छुपाइए कि मैं भगवान श्री राम बोल रहा हूँ इसलिए मेरे काम मत पूछो, आस्था मेरी जगह है और मेरा काम मेरी जगह पे है, तो हम अपने काम पे भी वोट करते हैं और सुबह शाम अपने भगवान की पूजा भी करते हैं। सत्येंद्र जैन जी के बारे में लोग तो मत सारे कह रहे कि तिहाड़ जेल में कैमरा कैसे लोग पहुँच जा रहे हैं और वहाँ पे मालिश करवा रहे हैं, उसके बारे में भी कुछ फर्क पड़ेगा क्या सर? मेरे ख्याल से तिहाड़ जेल वालों ने एक क्या नाम है डॉक्यूमेंट है वो अभी कोर्ट में दिया, उन्होंने बोला कि जितने भी पॉलिसीज हैं, जितनी सर्विसेज हैं, जो एक
जो एक रूल्स के अकॉर्डिंग फॉलो होती थी हाड़ के अंदर जेल में किसी भी कैदी के लिए, वही सत्येंद्र जैन को दी गई। तो बीजेपी वाले जो कह रहे हैं उनको अलग से सर्विस दी जा रही है, वो तो वैसे ही खत्म हो गया। जब जब तिहाड़ जेल की जो जो उनकी बॉडी है वो खुद जाके कोर्ट में एविडेंस दे रही है कि हम किसी भी को भी अलग से नहीं दे रहे कोई भी क्या कहते हैं सर्विसेज, ये एक मैनुअल के अकॉर्डिंग है। सुरक्षित रहेगा सर? मतलब इतनी छोटी छोटी बात पर सर इतनी निकल रही है अंदर कोर्ट, पता नहीं क्या क्या होता होगा जेल के अंदर सर। हाँ ऑब्वियसली, अब ये सोचिए कि कितना ये सिक्योरिटी लैप्स है कि तिहाड़ की वीडियो बाहर जा रही है, ये सोचिए जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स। देखिए आपको पता है ये सब एमसीडी के लिए हुआ, एमसीडी खत्म, ये सब खत्म, लेकिन जो एग्जांपल जो बेंचमार्क आपने सेट कर दिया कि आप अंदर की वीडियोस को बाहर लाके अपने पॉलिटिकल पर्पस से यूज कर रहे हो, वो उसका एग्जांपल कितना गलत सेट किया। कल को ये किसी के भी अगेंस्ट में यूज किया जा सकता है, बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। तो क्या लगता है इस बार आम आदमी पार्टी कन्फर्म है? कन्फर्म है पब्लिक का पूरा क्लियर, आम आदमी पार्टी जी कन्फर्म 200 प्लस। क्या लगता है आपको? आम आदमी पार्टी आएगा आपको? आम आदमी पार्टी, आम आदमी। इनके काम इतने अच्छे हैं केजरीवाल के कि दुनिया आज भी याद कर रही है, अभी ये बहुत अच्छा आदमी है केजरीवाल वाकई। क्या अच्छा है? स्कूल है, हॉस्पिटल है, ये मोहल्ला क्लिनिक जो फ्री दवाई दे रहे हैं गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छी है ये। झाड़ू वाली पार्टी बहुत बढ़िया बेहतरीन, मैं बहुत खुश हूँ।